हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को लेकर उठी मांग, पूर्व भाजपा एमपी गंगाचरण राजपूत ने सुझाया नाम, पूर्व सीएम कल्याण सिंह को बनाना चाहते हैं मुख्य ट्रस्टी, गृह मंत्री को लिखा पत्र, कल्याण सिंह की बड़ी कुर्बानियां। अयोध्या पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया था जो मंदिर निर्माण करेगा। ट्रस्ट में शामिल होने के लिए अभी हाल ही में अयोध्या के संतों का प्रकरण भी सामने आया था, लेकिन अब भाजपा के हमीरपुर महोबा से पूर्व भाजपा सांसद गंगाचरण राजपूत का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट पूर्व यूपी सीएम और कभी भाजपा के फायर ब्रांड रहे कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनना चाहिए। इसके लिए गंगाचरण ने पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। गंगाचरण ने यह भी कहा है कि पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माना था कि वो बाबरी मस्जिद बचाने में नाकाम रहे और जो भी सजा दी जाए वो उन्हीं को दी जाए। देखिए, इस समय चर्चा हो रही है कि राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया जाएगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण करे। इसलिए मैंने माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री भी हैं भारत सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है, प्रार्थना की है कि माननीय कल्याण सिंह जी की मुख्य भूमिका रही है मंदिर निर्माण के लिए, कुर्बानियाँ भी उन्होंने दी हैं। माननीय कल्याण सिंह जी ने अपना मुख्यमंत्री पद भी गंवाया है राम मंदिर निर्माण के लिए, एक दिन की सजा भी भोगी है राम मंदिर निर्माण के लिए, उनसे बड़ी कोई कुर्बानी करने वाला नहीं है भगवान राम के लिए, इसलिए उनको इस मंदिर निर्माण में मुख्य ट्रस्टी बनाया जाए और उनके नेतृत्व में ही मंदिर निर्माण कराए। सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन लिया था कल्याण सिंह जी से कि हम बाबरी मस्जिद ढांचे को सुरक्षित रखें। जब लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हुई तो अधिकारियों ने, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि साहब बहुत भीड़ है, कंट्रोल नहीं हो रही है, हो सकता है हमें गोली चलाने पड़े, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ढांचे को सुरक्षित रखा जाए। तो माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि गोली के अलावा और जितने भी उपाय हैं वो किए जाएं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, गोली ना चलाई जाए। और जब गोली चलाने का आदेश से उन्होंने मना कर दिया तो वो भीड़ अनियंत्रित हो गई और बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल जवाब किया कि आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं बाबरी मस्जिद को बचाने में असफल रहा, इसके लिए मैंने अपना मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक दिन की सजा भी दी, उन्होंने सजा को भी सुरोधार कर लिया और एक दिन की सजा काटी और सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि अधिकारियों का कोई दोष नहीं, जो भी सजा देना हो मुझे दो। इससे बहादुर नेता और कौन हो सकता है, इससे ज़्यादा कुर्बानी और कौन दे सकता है। इसलिए वो हकदार हैं कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट बने उसके मुख्य ट्रस्टी बनने का। इसलिए मैंने गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, सरकार से, उनको मुख्य ट्रस्टी बनाकर उनका सम्मान रखा जाए। अब उनका बुढ़ापा है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी आयु भी बहुत अधिक हो चुकी है, यदि ये उनको सम्मान मिल जाएगा कि वो उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो तो उनको खुशी होगी इस बात। जैसा कि सांसद जी इस समय जो है मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है बैठक कर रहा है बराबर की, हम दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो है दायर करेंगे। देखिए, आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि उसमें जो सांसद है ओबीसी जी वो आए
अब उसमें राजनीति होने लगी। वैसे आम मुसलमान नहीं चाहते हैं, और मुसलमानों में भी जो पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें भी मतभेद है। महमूद असद मदनी उनसे बाहर हो गए, उनके वादी जो थे इकबाल अंसारी वो भी होकर गए कि हमें नहीं करनी है। कुछ नेता हैं मुस्लिम जो अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, जो व्यापार चला रहे बाबरी मस्जिद के नाम पर, धन उगाही करते हैं, चाहे वो धन की उगाही करते हो या वोट की उगाही करते हो, वोट की राजनीति, वो लोग अकेले 10-5 नेता भी नहीं है, वो लोग अकेले पुनर्याचिका की बात करते हैं। पुनर्याचिका से कुछ होने वाला नहीं है, वो भारत का सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, पाकिस्तान के सारे परेशान काम कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।